हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड। 600 रुपए पे ये अपर सर्किट में हिट हुआ हुआ है ये शेयर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे, बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज कि इस पर्टिकुलर शेयर को हमने टेम्बो ग्लोबल है ना, ये हमने 3 सितंबर को अपने ग्रुप में दिया था। उस टाइम अगर आप प्राइस देखोगे, थोड़ा सा जूम करके देखोगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। 323 रुपए पे इस शेयर को हमने यहाँ पर दिया था 3 सितंबर को। तो आज लगभग 5 सितंबर है, 5 नवंबर है, तो लगभग 2 महीने और कुछ दिन होते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी शेयर 323 रुपए से 600 रुपए की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है। तो लगभग लगभग आप देखोगे तो 92% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे और जानेंगे, बट इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर शेयर को लेना नहीं है। शेयर हमने जब दिया था, ठीक है, तब और कुछ लेवल पे था, ठीक है, वहां से अच्छा खासा ये 92% 2 महीने के अंदर अंदर बढ़ चुका है। अब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो बनाने का मकसद क्या है, जो आपको लास्ट तक देखोगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट इससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल, नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है, चीजों को सीखे, सीखने के लिए वीडियोज है, ठीक है, और यहाँ पर और अच्छे से सीखना है तो हमारा कोर्स है, जहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, ठीक है, शेयर कैसे भागते हैं, शेयर क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो आप इंक्वायरी कर लीजिए कोर्स से रिलेटेड, और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 होने वाली है, तो जल्दी से एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इस ग्रुप में ऐड होना, ठीक है, इसी ग्रुप में हमारे साथ काम करना, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ यहाँ पर काम भी कर सकते हो मिलके, ठीक है। तो टेम्बो की बात करें तो ऑलरेडी अच्छा खासा 92% के रिटर्न अच्छा खासा दे चुका है। तो शेयर क्या है, क्या यहाँ पर करता है, वो जान लेते हैं। 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यहाँ पर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स ये बनाती हुई नजर आती है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो इनकी वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे के सारे कंपनी के, ठीक है ना, यहाँ फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस ये बनाते हुए नजर आते हैं, एमईपी सॉल्यूशंस ये बनाते हुए नजर आते हैं, हैवेक सॉल्यूशन, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, ठीक है, ये फास्टनेस सॉल्यूशंस, तो ये एंकरिंग सॉल्यूशंस, तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो काम प्रोडक्ट है वो आज के जमाने में हर एक इंडस्ट्री में यूज होता हुआ नजर आता है। तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। बात करें कंपनी की तो 668 करोड़ रुपए की कंपनी है। जैसे कि मैंने चैनल का नाम है ही हम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपको पता ही है हम छोटे शेयर से लेकर बातें करते हैं, तो एक तरीके से इसे पेनी स्टॉक भी कह सकते हो, एक तरीके से इसे यहाँ पर आप स्मॉल कैप भी कह सकते हो। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके के छोटे छोटे शेयर लाते रहते हैं। इसके अलावा जब हम स्मॉल कैप की बात करें तो याद रखिएगा कि जब शेयर भागता है तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि कैसे 200 रुपए वाला स्टॉक्स कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 600 रुपए हो गया, पर जब गिरता है ना तो वो ही यहाँ पर इसी तरीके से गिरता हुआ नजर आता है कि 300 रुपए वाला स्टॉक कब 100 रुपए हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है, ये कला आपने सीख ली तो आपके पैसे अच्छे खासे बनते हुए नजर आएंगे। स्टॉक पी की बात करें और वो चीज हम अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं, तो एनरोल कर सकते हैं। 24 का पी है। इंडस्ट्री के पी की बात करें, इंडस्ट्री का पी 39-40 के आसपास का है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्ता नजर आता है। बट याद रखिएगा जब शेयर दिया था तब 12 के पी पे आसपास था, 13 के पी पे था, आज 24 का पी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में और शायद पी बढ़ जाए तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीजें महंगी मिलेगी, 25% और 29% के आसपास का आरओसी आरओई है, काफी अच्छा खासा है। कंपनी के 10 की फेस वैल्यू नजर आती है, 496 का इसका 52 सॉरी इंट्रेंसिक वैल्यू है, 52 भी हाई लो यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कंपनी के दोबारा यहाँ पर नंबर आते हुए नजर आए, ठीक है। कंपनी यहाँ पर 35 करोड़ से यहाँ पर धीरे धीरे करके आज की डेट में 164 करोड़ की यहाँ पर सेल कर चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ी है। पिछले
पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। घाटे से कंपनी हाईएस्ट एवर 15 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 9% के मार्जिन, और नेट प्रॉफिट की बात करें 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर पिछले 12 क्वार्टर में बैठी हुई है। ईपीएस ग्रोथ काफी बेहतरीन होती हुई नजर आई है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है और उस चीज को इसके आप शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं कि शेयर प्राइस किस तरीके से अच्छे खासे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ईयरली बेस पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 19 करोड़ से कंपनी की सेल्स कैसे 500 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ये एक काबिले तारीफ है। ठीक है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, बोरिंग भी साथ साथ बढ़ रही है, जो कि अब एक इशू बन सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम बात करें तो कंपनी बहुत कम यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही थी, बट अब धीरे धीरे कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा और वो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर झलकता हुआ नजर आएगा। तो ये एक इशू नजर आएगा और कंपनी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही अच्छा खासा काम करे, ठीक है ना, अच्छा खासा सेल्स दिखाए। कभी कभी हो सकता है कि डल भी दिखा दे, दोबारा यहाँ पर 80 और 100 करोड़ के सेल्स में आ जाए और उस केस में यहाँ पर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान की बात है। 23 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें तो 2 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% के आसपास है, जो कि यहाँ पर आप बात करोगे सितंबर 2022 में 72 था, उसके बाद 65 हुआ और फिर उसके बाद 55 हुआ और वही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रमोटर ने अच्छी खासी होल्डिंग बेची है, बट इसके अगेंस्ट में हम देखें तो कुछ होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ने यहाँ पर बाई करी थी, वो भी धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डीआईआईज यहाँ पर एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं। पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास 43% की होल्डिंग। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये शेयर के में पब्लिक घुसती जंग नजर आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ पब्लिक धीरे धीरे घुस जाए और एफआईज डीआईज उधर से निकल जाए, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है, आता हुआ दिखाई देता है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बहुत सारे यहाँ पर HNIs वगैरह है, वो भी यहाँ पर निकल चुके हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, हम चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल को नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, नंबरों को नोट कर लीजिए, कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा शेयर ऑलरेडी जहाँ हमने दिया था 323 रुपए के आसपास दिया था, यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है। वहां से अगर हम बात करें तो 323 रुपए से अगर मैं बात करूँ तो 84-85% की रिटर्न दे चुका है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, जो कि अच्छे रिटर्न है। अब क्या हो सकता है, अभी तो सर्किट में चल रही है और मैं हमेशा कहता हूँ जब सर्किट में चल रही होती है ना चीजें तो कहीं ना कहीं घबराने की बात होती है। ओवरबॉट में भी चल रही है, शायद 1-2 दिन में लोअर सर्किट भी लगने शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है अगर किसी के पास है भी। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब हैंडल पैटर्न बना था, उसका एक ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया, जो कि इसको इसके टारगेट 537 रुपए के आसपास थे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट में, हमने 539 रुपए के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो चुके हैं इसमें, ठीक है, बल्कि ओवर अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है, क्या अभी लेना चाहिए, तो अभी शायद नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सर्किट में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हिट हो सकता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन भी नहीं है, शीट को भी याद रखिएगा। थोड़ा सा चीजें नीचे आ जाए, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, 1-2 क्वार्टर के नंबर कंपनी के और आ जाए, ताकि हमें और ज्यादा क्लियरिटी आए, उस टाइम हम एक बार इस पर्टिकुलर शेयर को दोबारा यहाँ पर रिव्यू कर लेंगे। बट अभी फिलहाल की डेट में यहाँ पर ये शेयर बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। जब हमने यहाँ पर दिया था 300, आप देख भी पा रहे होगे, 323 रुपए पे दिया था, तो यहाँ पर 303 का स्टॉप लॉस था, मतलब 20 रुपए का रिस्क था, ठीक है, और टारगेट इतने अच्छे थे। तो वीडियो अच्छी लगी, इसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है, जो हम अपने इस कोर्स में सिखाते हैं, जो कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ठीक है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और चीजों को इसी तरीके से करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं कभी ना कभी आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।